एक्सरसाइज 13.2 का दो नंबर डिस्कस करेंगे। एक नंबर पहले बता दिए थे और ध्यान रखना इसमें वॉल्यूम का सारा, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम का सारा इसमें आएगा। आयतन वाला जो 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 आयतन का फॉर्मूला याद है वो कर सकता है इस सवाल को। वीडियो देख रहा है वो क्या कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना एनसीईआरटी बुक निकाल के, इसके बाद इसको बनाना है ठीक। तब इसके बाद देखना कैसे बोल रहा है, हम समझा देते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक सिलेंडर है, हाँ, इस सिलेंडर का टॉप में और ये बॉटम वाला, यानी कि दोनों इसका जो होता है ना ये वाला सर्कुलर वाला जिधर फेस है उधर क्या लगा हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत क्या था। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या हुआ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोण का हाइट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये इसमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितने का 3 दिया हुआ। तो सबसे पहले निकाल लो, देखो सॉल्यूशन यहाँ लिखना, सॉल्यूशन हल है ना। देखो इसमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट में देखो पहले निकालना क्या, हाइट किसका लेना है, कौन का। देखो हाइट ऑफ कौन, इसका मतलब क्या लिखेगा रे, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, यानी कि इसके लिए तुम ना एच सी करो, हाइट ऑफ कौन, सी फॉर कौन हो गया, समझ गया, हाइट ऑफ कौन लेना, नहीं ताकि मिले ना दोनों ठीक। सिलेंडर के लिए सी वाई लिखना है ठीक, हो गया यहाँ तक। तो बताओ इसका कोण का हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, अरे कोई दिक्कत आता है। और देखो यहाँ रेडियस दोनों का तो सेम है, तो रेडियस यहाँ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या जिसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 3/2, क्यों डायमीटर दिया था लिख देगा इतना। चलो अब हाइट ऑफ क्या दिया है, इसमें निकालना पड़ेगा तुमको हाइट ऑफ ये वाला हाइट, यानी कि यहाँ से ये वाला कोण का जो हाइट है ना, ये वाला हाइट तुमको पता करना है। अब देखो कैसे पता करेगा, देख ये वाला हाइट कितना है, यहाँ से देखो दो को कौन है ना, दो कौन है, तो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये वाला 2 सेंटीमीटर और ये वाला 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर बचेगा ना। तो हाइट ऑफ क्या निकालना है, सिलेंडर, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या जाएगा, बेलन की ऊंचाई, अरे ये लिखेगा बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखना है ठीक। क्या लिखना है देखो, 12 माइनस यहाँ का 2 और इधर वाला 2 माइनस कर देगा ना, 4 माइनस कर दे, बचा कितना 8 सेंटीमीटर हो गया, तो दिक्कत हाँ समझ में आएगी। अब बताओ हमको इसका क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया नहीं, टोटल वॉल्यूम बताना है। क्या वॉल्यूम क्या होगा बताओ, तो दोनों एड होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये टोटल है क्या, ये मॉडल है ना। चलो तो वो वॉल्यूम लिख बताते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल है ना, इसके लिए देते हैं देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, बोलो मॉडल क्या हो जाएगा बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, हिंदी वाला समझ में आया कैसे क्या करेगा। देखो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल यानी कि क्या लिखेगा, मॉडल का आयतन, डिजाइन का आयतन निकालना हो तो क्या करना है, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन प्लस 2 गो शंकु है यहाँ पर, 2 शंकु का आयतन यहाँ जोड़ देना है, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ इधर से हम बताते हैं, अब ये वाला यहाँ पर याद रखना, तो वॉल्यूम निकालना है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, क्या याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच करना है ठीक, बेस साइड मल्टीपल देखो प्लस यहाँ पर क्या करना है, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर का हाइट तो अलग है ना, अब क्या करना है देखो, आर दोनों का वैल्यू का सेम था ना, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या यहाँ पर, एच सी वाई हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 एच सी, अरे कोई दिक्कत, हाइट ऑफ कौन हो गया ये। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आर का वैल्यू कितना है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कर लेंगे ऐसे करके, और एच हाइट ऑफ सिलेंडर देखो कितना है, हाइट ऑफ 8 हो गया, 8 प्लस 2/3 इंटू 2 है ना, 2 कर देंगे यहाँ पर,
दिक्कत हो गया 28/3, 28 खत्म हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्यूब हो गया उसका, है आयतन है या क्यूब निकलेगा, समझ में आया ये कैसे कर दिए। चलो लो देखो अब हम लोग कितने नंबर में आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। समझो क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, देखो हम पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, देखो समझना, एक गुलाब जामुन है, समझा, उस गुलाब जामुन में ना देखो क्या है बताओ, उसमें शुगर का जो है ना, शुगर का जूस, रस, सिरप जिसको बोलते हैं, वो क्या हुआ है? कंटेंट है। अब किसका, एक गुलाब जामुन में, मतलब एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम होगा उसका 30% उसमें क्या रस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, रस भरा हुआ है। गुलाब जामुन का जितना आयतन है, वॉल्यूम है, उसका 30% उसी का 30% उसमें सिरप है, समझा। तो अब बोल रहा है कि जो गुलाब जामुन का, पहले तो गुलाब जामुन का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा, है ना, फर्स्ट में गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना। अब गुलाब जामुन का शेप भी दिया हुआ है, क्या शेप दिया है, देखो इसका जो शेप है ना ये सिलेंड्रिकल तो है, बोल रहा है क्या इंड में जो है ना, इंड में ऐसे करके हेमी स्फीयर बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, कोई दिक्कत, बोल रहा है क्या इसका डायमीटर कितना है, देखो देखो यहाँ पर डायमीटर इंड में जो है ना बोल रहा है हेमी स्फीयर है, और बीच जो मिडिल वाला पार्ट है ना वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, गुलाब जामुन का ऐसा है ये। अब बोल रहा है कि टोटल हाइट दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझा, 5 सेंटीमीटर हो गया, और इसका क्या दिया है, टोटल हाइट दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, क्या डायमीटर दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं, डायमीटर दिया हुआ है तो आर यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेना, समझा, सोल्यूशन हल लिख लेना तुम लोग, ठीक, इसमें क्या दिया है बताओ तो, डायमीटर दिया हुआ ना, बोलो डायमीटर इक्वल टू कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, तो क्या रेडियस निकाल सकता है, हाँ बताओ क्या हो जाएगा, आर जिसको बोलते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2.4/2, 2.8 है, 8 लिखेगा इसको कटाएगा कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, अरे रेडियस हो गया। अब दो को आ गया, देखो यहाँ पर इसको रेडियस बोलते हैं, यहाँ से तक याद है कुछ, ये वाला रेडियस आ गया, तो कितना हो गया, 1.4 इधर हो गया और 1.4 इधर ये वाला हो गया, तो हाइट ऑफ हमको क्या, सिलेंड्रिकल पार्ट वाला, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये हम लिख देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सिलेंडर लिख देते पार्ट, सिलेंडर का पार्ट, सिलेंडर पार्ट का बताना है क्या तुमको, हाइट बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 लिखना है माइनस 2.8 हो जाएगा, अरे होगा तो बता दो कितना हो जाएगा, 2.2 आएगा, 2.2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा हाइट, करने का मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, सिलेंडर पार्ट का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 2.2, समझ में आया, क्या इसका वॉल्यूम निकाल पाएगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल सकता है, क्या करना है बताओ तो, रुको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 2 स्फीयर, यानी कि 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है प्लस कर देना, हाँ 1 स्फीयर भी कर सकता है, कोई दिक्कत आता है, चलो तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिख लो एक बार, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, करने का मतलब 1 गुलाब जामुन का आयतन, समझा, 1 गुलाब जामुन का पहले आयतन निकाल, स्फीयर, अरे हो गया ना, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत, 2/3 पाई आर क्यू कर लेना, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो अब इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो आ जाओ, कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा ना, चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या यहाँ पर, एच बचा और प्लस 4/7 कर लेना इंटू आर कितना है रेडियस, 1.4 मल्टीप्लाई दो बार है तो 1.4 कर लेना, कोई दिक्कत, एच कितना है, हाइट, हाइट इसका लेना है ना, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का वैल्यू रहे,
4.4 है ना, 1.4 कर लेना है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला कटा देना, कितना हो गया? इसको सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 25.05 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना ठीक। अब गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या बोला? 30% ऑफ टोटल सिरप। एक एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, मतलब जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसका 30% क्या है उसमें सिरप है। तो ये तो यहाँ पर लिख दिया। देखो द वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30% ऑफ टोटल हो गया ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर हम बनाएं इस जगह, देखो क्या हो गया। सो देखो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना इन 45 स्वीट, अरे 45 तो जो मिठाई है उसमें बताना है कितना वॉल्यूम, मतलब सिरप का कितना आएगा वॉल्यूम। तो क्या कर देंगे देखो, 45 × 30% ये ना 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम कितना है 25.05, बस इसको सॉल्व कर दे। इस परसेंटेज को 100 में नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करेगा तो इतना आंसर आ जाएगा, समझ गए। ये जो सिरप है ना 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आएगा, कितना शुगर सिरप है वो ये इतना है, समझ में आएगी। ये सिरप का वॉल्यूम आएगा कितना का, सिरप का कितना गुलाब जामुन में 45 ग्राम। यदि क्वेश्चन पूछता है कि एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा तो का आंसर क्या करता, तो क्या करता यहाँ पर इसी में सॉल्यूशन करना, 30% ऑफ मल्टीप्लाई और ये वाला करता। तो एक गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन में सिरप निकलता, समझा। और यहाँ पर बोल रहा है 45 में, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए। अरे समझ में आई, कर पाएगा ना।